शरीर दर्द कर रहा। दिन भर रात भर गेम खेल के अब जाके पहुंचाऊं ग्रैंड मास्टर पे। सबसे पहले तो मैं ही पहुंचा। अबे ये पहले से ही पहुंचा हुआ है साला। ये किसने क्या दिमाग लगाया, क्या टिप्स एंड ट्रिक यूज किया, पहुंच गया मादर साला। मैं बताता हूँ भाई, मेरी वीडियोस देखेगा तो पहुंचेगा ही। तो हाँ, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अपने फ्रेंड लिस्ट के बंदों से पहले ग्रैंड मास्टर पहुंचो, तो भाई तुम्हारा भाई पहुंचाएगा तुम्हें ग्रैंड मास्टर, और वो भी 6 घंटे के अंदर। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, हमारे देश में बच्चों और बड़ों में एक चीज कॉमन है, बड़े जो हैं वो मजदूरी करते हैं और बच्चे जो हैं वो रैंक पुशिंग करते हैं, और इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना फर्क चीनी और शक्कर में है। लेकिन हाँ, इस मजदूरी को करने में मजा तो आता है भाई, क्योंकि मैं खुद भी तो करता हूँ। Make a good squad. तो देखो, एक अच्छी स्क्वाड बनती है 3 अलग अलग बंदों से मिलकर, जिसमें से आते हैं 2 रसर, 1 सपोर्टर और 1 स्नाइपर प्लेयर। ठीक है, तो देखो रसर का मतलब तो तुमको पता ही है, वो बंदे जो घर में घुस के तोड़फोड़ मचा के भाई खूब धमाधुम मारते हैं। और उसके बाद से आता है सपोर्टर, जब वो घमासान मचा रहे होते हैं तो ये बंदे धीरे धीरे पीछे से उन बंदों का मजा लेते हैं जो उन बंदों से लड़ रहे होते हैं। मतलब अरे समझ ही रहे हो तुम तो, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और तीसरा होता है स्नाइपर। ठीक है, देखो स्नाइपर प्लेयर बहुत जरूरी है टीम में, क्योंकि भाई अगर वो एक गोली भी मारेगा तो 150 कटेगा, और जिससे भाई तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। तो एक अच्छी स्क्वाड बनाओ जिसमें ये सारे प्लेयर्स हों। तो देखो, तुम लोग का ये सवाल तो होगा ही कि हम लोग रैंक पुश करते समय कौन सा कैरेक्टर यूज करें। तो देखो, मैं बोलूंगा बेस्ट है तुम्हारा हुकोंग यूज करना, और हुकोंग के साथ तुम यूज कर सकते हो एंड्रयू प्लस जोटा। और अगर तुम्हारे पास एक और कैरेक्टर, ये जो नया वाला कैरेक्टर है वो लेवल 6 तक का है, ये लियोन करके कुछ है, उसको वो है तुम्हारे पास लेवल 6 का, तो भाई तुम यूज करो हुकोंग, लियोन और एंड्रयू। भाई ये बेस्ट कैरेक्टर है तुम्हारे। या फिर अगर ये लियोन कैरेक्टर तुम्हारे पास है और इसका लेवल 6 तक है, तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि तुम यही यूज करो। अभी देखो मैं जोन से बाहर आ रहा हूँ और मेरे को डैमेज पड़ चुका है काफी, और जैसे ही मैं एक बंदे को नॉक कर रहा हूँ भाई मेरी हेल्थ बढ़नी शुरू हो गई, और ये कितना फायदेमंद है वो तुम्हें भी पता है। तो देखो यार, कम से कम टाइम में तुमको ग्रैंड मास्टर पे जाना है तो तुमको हर गेम बोइया करना पड़ेगा भाई, मतलब हर गेम तुमको बोइया करना ही पड़ेगा। और मुझे ये बात तुमको बताने की जरूरत नहीं कि भाई पहला राउंड जो होता है ना, पहला राउंड फ्री का राउंड होता है। अगर तुम M500 बढ़िया से नहीं चला पाते हो तो मत ही लो भाई, तुम G18 यूज करो या फिर ये USP2 जो गन है उसको यूज करो। और मैं तो यही बोलूंगा कि भाई तुम चारों के चारों बंदो ये गन लो और घुस जाओ भाई बंदों के इलाकों में पहले राउंड में, और भाई उनको पेल के पहला राउंड जीतो, किसी भी हाल में जीतो, लेकिन जीतो भाई। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट हो M500 से कि भाई मेरा हेड लगेगा ही लगेगा मेरी तरह, तो भाई तुम M500 यूज कर सकते हो। टीम कोऑर्डिनेशन। तो देखो, तुम्हें अपने प्लेयर्स का साथ देके खेलना है, मतलब तुम अपने प्लेयर्स को एनालाइज करते रहो, उन पे नजर रखते रहो और देखते रहो कौन क्या कर रहा है, ताकि अगर किसी की भी हेल्थ या HP कम होती है तो ताकि तुम उसकी तरफ जा सको और उसको भाई तुम मतलब अगर कोई बंदा मार रहा है तो तुम उसको बचा सको और अच्छे से मतलब सर्वाइव कर सको। और अगर तुम अपने बंदे पे नजर रखते हो तो तुम्हारा ही फायदा होगा भाई, क्या पता उसकी बंदी पट जाए तुमसे मतलब क्या पता 2-4 किल ज्यादा मिल जाए भाई तुमको उसके चक्कर में, तो समझ रहे हो ना, फायदा तो तुम्हारा ही है उस पे नजर रखने में, गर्लफ्रेंड वाली बात पे नहीं, किल वाली बात पे। तो देखो, अगर हमें कम से कम टाइम में ग्रैंड मास्टर पे पहुंचना है तो भाई हमें कम राउंड हारना होगा, और उसके लिए हमें सबसे अच्छा क्या होगा एडवांटेज, भाई हमें हाइट एडवांटेज लेना चाहिए। अगर जिस भी जगह पे हम हाइट एडवांटेज ले सकते हैं वहां से हमें हाइट एडवांटेज लेना ही चाहिए, ये काफी फायदेमंद होगा भाई हमारे जीतने के लिए। इससे जितना कम राउंड हम देंगे उतना जल्दी हम पहुंचेंगे, कम टाइम खर्चा होगा जल्दी पहुंचेंगे हम, तो हाइट का एडवांटेज लेना बहुत जरूरी है। तो जहां जहां हाइट का एडवांटेज लिया जा सकता है मैं तो यही बोलूंगा वहां वहां तुम हाइट का एडवांटेज लो भाई। तो देखो यार, मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स दी है, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करो यार, और अगर तुम पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हो आज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं, तुमको हेल्प करते रहते हैं और तुमको आगे बढ़ाते रहते हैं।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्या भाई, इस वीडियो को लाइक तो कर ही दो यार। और हाँ, अगर इस वीडियो को तुम लाइक करते हो तो तुम्हारे लिए एक बोनस टिप्स है, तो मैं तुमको वो बोनस टिप्स देता हूँ दो। तो पहली बोनस टिप्स है तुम्हारी कि भाई तुम बिल्कुल भी M1887 यूज मत करो। ये दो गोली वाली गन को यूज मत करना। क्यों? क्योंकि इसकी एबिलिटी माइनस कर दी गई है। ये देख सकते हो यहाँ पे तुम स्क्रीन पे इसकी एबिलिटी कितनी माइनस की गई है, और भाई इसको तो एकदम टट्टी बना दिया गया है, तो तुम ये बिल्कुल मत यूज करना भाई। और बोनस टिप्स नंबर 2 है भाई, तुम्हारे पास अगर पैसे बचे तो भाई तुम ग्रेनेड ले लो, ठीक है। क्या पता वो ग्रेनेड किस टाइम पे कहाँ पे तुम्हारा काम आ जाए और तुम्हारा कुछ बढ़िया हो जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू नारा।